फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैटर, इट्स अ प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैसेस, बीईसी, प्लाज्मा, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन्स कैसे सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे को, मीन्स एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर वो चेंजमेंट काम करती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को। मीन्स आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सॉलिड है, मीन्स सॉलिड से जब आप लोग लिक्विड की तरफ जाएंगे तो आप ये दो प्रोसेस लगा सकते हैं, इंक्रीज इन हीट एंड डिक्रीज इन प्रेशर। मीन्स किसी भी सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए आप लोग या तो हीट को इंक्रीज करिए या फिर आप लोग प्रेशर को डिक्रीज करिए। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल कुछ आप लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। मीन्स ऐसा लिक्विड का कुछ स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। तो इन पार्टिकल्स को इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, मीन्स ये जो पास पास पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, तो ये जो इतने क्लोज पार्टिकल हैं इनको दूर दूर करने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का बेसिक रूल है, जब भी आप लोग किसी चीज़ को हीट देंगे तो उस चीज़ के पार्टिकल जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी थोड़ा डिस्कस किया था इसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मीन्स जब भी आप हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब कि वो पार्टिकल मोशन में आएगा, मोशन में आएगा मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, उनके पास एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे इनको अगर हम हीट देते हैं, इनको हम नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पार्टिकल पास पास थे ये पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं। ये तो है कॉन्सेप्ट नंबर एक। दूसरा, इसके पीछे और भी कई सारी थ्योरी हैं कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, यू कैन कंसिडर दैट एज ए बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैं बॉन्ड वाला वर्ड अभी यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ इतना याद रखिए कि पार्टिकल जो हैं वो पास पास थे, उनको हीट एनर्जी मिली तो वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए, और जब पार्टिकल यहाँ से पास पास से दूर वाली फॉर्म में चले गए, इट मीन्स नाउ दे आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो पहला काम तो ये था कि पार्टिकल दूर करना अपना मेन मोटिव था, क्योंकि सॉलिड में पास थे, लिक्विड में दूर करने हैं, तो पहला काम एनर्जी दी, दूर कर दिए। दूसरा काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर किसी चीज़ के ऊपर एग्जर्ट होता है। ठीक है, इनके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉलिड के पार्टिकल्स के ऊपर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हर जगह पर एग्जर्ट है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को हटा दें, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मीन्स 1 एटमॉस्फेयर अप टू डाउन होता है और 1 एटमॉस्फेयर डाउन टू अप होता है, ये कि आपके अर्थ के ऊपर हर जगह पे मेंटेन होने वाली चीज़ है, 1 एटमॉस्फेयर अप टू डाउन, 1 एटमॉस्फेयर डाउन टू अप, इसलिए टोटल जो भी चीज़ जैसी भी है वो वैसी ही रहती है। ठीक है, अगर किसी दिन ये प्रेशर इम्बेलेंस हो जाएं, जैसे किसी दिन बहुत तेज़ हवा चले और ऊपर छत के ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर कम हो जाए, तो छत उड़ जाती है। तूफान के टाइम पे यही होता है कि ऊपर वाला प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हवा हॉरिजॉन्टल मूव करती है, तो डाउनवर्ड प्रेशर कम हो गया हॉरिजॉन्टल हवा की वजह से, इसलिए छत जो है नीचे से ऊपर उठ जाती है। ठीक है, वो है फिजिक्स का मैटर, उसके ऊपर मत चलिए आप लोग, अभी इतना ही सोचिए कि जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर डाउन टू अप है, 1 एटमॉस्फेयर अप टू डाउन है, तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले प्रेशर को अगर हम कम कर देंगे तो नीचे जो पार्टिकल के पास प्रेशर था ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये पार्टिकल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होंगे, दूर दूर फैलना शुरू करेंगे। ठीक है, और दूर फैलेंगे तो अगेन दे विल कम इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था कि सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए क्या किया जा सकता है।
ठीक है। एक और आपको मैं इसके बाद बता रहा हूँ, चलो कोई नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को। लिक्विड का अगर हम और भी टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो चला जाएगा फिर गैस में, ठीक है। दूसरा जो आप कर सकते हैं गैस बनाने के लिए लिक्विड के साथ, वो क्या है कि लिक्विड का प्रेशर और भी कम कर दो। यहाँ पे इसका प्रेशर अगर हम और भी कम कर देंगे तो ये पार्टिकल और भी दूर दूर फैलना शुरू हो जाएंगे, और ये और दूर फैलेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं। मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज ए सॉलिड इंटू लिक्विड देन डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द हीट एनर्जी, एंड इफ़ यू हैव नो रिसोर्स टू इंक्रीज द हीट देन यू कैन यूज द सेकेंड मेथड, दैट इज यू कैन डिक्रीज द प्रेशर। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑल्सो द इफेक्ट विल बी सेम। एम आई क्लियर? आप या तो हीट बढ़ाएं या प्रेशर को कम करें, दोनों ही काम ठीक होंगे। इसके बाद अगर आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं, गैस से लिक्विड में आना है, तो ये वाली प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी। हीट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, और प्रेशर को इंक्रीज। मीन्स गैस को लिक्विड बनाने के लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल आप लोग अपने घर पे किचन में देख सकते हैं। जो किचन में एलपीजी सिलेंडर आप लोग यूज़ करते हैं, उसको अगर वो मोर देन हाफ अगर फिल है या पूरा भी भरा है, तो आप उसको पकड़ के जब हिलाएंगे ऊपर से, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे उसके अंदर कुछ लिक्विड है, ठीक है। मीन्स आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गैस हो, आपको ऐसा फील होगा जैसे कुछ लिक्विड है इसके अंदर, और वो सच में ही लिक्विड है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस को इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड किया जाता है कि उसके पार्टिकल इतने दूर दूर फैले होने की बजाय पास पास हो जाते हैं, ठीक है। और पास पास हो गई तो समझो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तभी उसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विफाइड का मतलब इट हैज़ टू बी लिक्विड फॉर्म, मीन्स इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इंटू लिक्विड फॉर्म। उसको लिक्विड बनाया गया है, उसको बनाना पड़ेगा, तभी सिलेंडर में आएगी वो इतनी ज़्यादा। अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली रखेंगे तो बहुत कम गैस आ पाएगी, ठीक है। दूसरा, सिलेंडर की जो बॉडी है वो इतनी थिक और यू कैन से इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी क्यों होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो अगर कमज़ोर किसी मेटल का आपने बना दिया, जैसे किसी प्लास्टिक का कैन जिसमें ऑयल वगैरह आता है कुछ, ऐसे में भर भर के गैस बांटनी शुरू कर दी तो क्या होगा, वो मुश्किल से हाफ के जी वन के जी आ पाएगी उसमें। जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो उस कंटेनर को फाड़ देगा, ठीक है। इसलिए हैवी मेटल का हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, और वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमें जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर फिल करनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। एलपीजी इसके नाम से ही क्लियर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसका जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, तो उस टाइम पे वो गैस एज ए बाई प्रोडक्ट हमें बाहर मिलती है, ठीक है। इसलिए लिक्विफाइड इसलिए है, लिक्विड कर रखा है, पेट्रोलियम है मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गैस मीन्स गैस की तरह यूज किया जाता है उसको। सो गैस से लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसा भी आपने देखा होगा, कभी शादी में जैसे वो यूज़ करते हैं, अगर सर्दियों में कभी कोई शादी फंक्शन वगैरह होता है, तो उस टाइम पे जो हलवाई होते हैं वो उस सिलेंडर को गर्म पानी में रखने के लिए बोलते हैं, हो सकता आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी। जब वो आधे से कम रह जाता है उस टाइम पे वैसा बोलते हैं, क्योंकि जब तक वो फुल है तब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है तो वो हाई प्रेशराइज्ड फॉर्म में है, वो प्रेशर रिलीज करेंगे, जैसे हम रेगुलेटर ऑन करते हैं वो फटाफट बाहर आने शुरू होते हैं और अपना काम शुरू होता रहेगा। लेकिन बाद में जब वो थोड़ी बच जाती है तो उस टाइम पे हम लोग या जो भी वो हलवाई वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि इसको भी गर्म पानी में रखो सिलेंडर को। ऐसा क्यों होता है, हम अपने घर पर तो कभी यूज़ करते नहीं ऐसा करके कि भी गर्म पानी में डालना पड़ता हो सिलेंडर को, उसके बाद यूज़ किया जाता हो। उसका रीज़न यही है कि जो उनके पास जो पाइप वगैरह यूज़ करते हो काफ़ी हैवी पाइप होते हैं, काफ़ी मोटी होती हैं, और जो मेन रीज़न है वो ये है कि सर्दी के टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, एंड इफ़ टेम्परेचर इज लो देन द गैस विल रिमेन इन लिक्विड फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हीट कम कर दी जाएगी, डिक्रीजिंग ऑफ हीट, गैस विल टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म। अगर हीट कम है मीन्स अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो जो गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में अगर बना रखी है तो वो लिक्विड में ही रह जाएगी, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में आएगी नहीं। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब हमें
ऊपर वाली प्रोसेस लगानी पड़ती है, मीन्स हम उसकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर गैस में, और वो बर्नर से बाहर आएगी और उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से लाइव एग्जांपल आपको आराम से देखने को मिलेंगे, आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, उसी में केमिस्ट्री और साइंस आपको मिल जाएगा आराम से। चलिए, इसके बाद अगर लिक्विड से आप लोग चाहते हैं कि भी सॉलिड बना दें, तो वो भी आप लोग देखते हैं, घर में सभी लोग बर्फ़ जमाते हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। लिक्विड लेते हैं, बर्फ़ जमाने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज, मीन्स डिक्रीज इन हीट, उसको फ्रीजर में रखेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मैंने पूरा ये आपकी स्क्रीन जो है इसको गंडा मंडा कर दिया, इसको साफ़ कर देते हैं। चलिए, मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर इंक्रीज, गैस टू लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज, लिक्विड टू सॉलिड अगेन टेम्परेचर डिक्रीज, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्रेशर हाई है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा सोचता है, किसी किसी की हो सकता है आप में से किसी की ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग हो कि अगर दोनों चीज़ें करनी शुरू कर दें हम, मीन्स थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे इस केस में सॉलिड से लिक्विड से, चलो लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड से गैस में भेजते टाइम हमने थोड़ी सी तो हीट दे दी और जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज कर दिया, मीन्स एंटी कर दी हमने दोनों चीज़ें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड से गैस की, जो अपने पास एक लिक्विड था उस लिक्विड का हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, मीन्स उसको हमने आग पे रखा, तो सीधी सी बात है लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, गैस में। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जितना, हम प्रेशर के साथ भी कुछ उल्टा काम करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर भी अगर हम बढ़ाना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से लिक्विड गैस में जाएगा। ठीक है, इस इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग ये जो दूसरी वाली प्रोसेस है इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो सेम होगा, वो तो गैस में जाना, हम प्रेशर को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम समझिए आप, ये जो लिक्विड है इस लिक्विड के नीचे हमने आग जलाई, ठीक है, तो ये किस में जाना शुरू हो जाएगा, गैस में, लेकिन गैस में जाने से रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, हमने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया। तो अब क्या होगा, क्या अपनी जो लिक्विड टू गैस की प्रोसेस थी वो कंटिन्यू रहेगी, या ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी पहले से, या ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना सोच के जवाब दे सकते हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये प्रोसेस पहले से स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो स्टीम बन के पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन पार्टिकल को बाहर से जो प्रेशर इंक्रीज किया है वो उनको अंदर ही कंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए वो जो हीट है वो सारी की सारी अपनी अंदर यूज होती रहेगी, वहाँ बन के पानी जो है गैसियस फॉर्म में जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब माउंटेन के ऊपर होते हैं, पहाड़ों के ऊपर, अगर आप लोग कुछ बॉयल करना चाहें, जैसे पानी गर्म करें, या आप लोग चावल बनाना चाहें कुकर में डाल के वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मीन्स वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप अपने नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो आपका अगर 10 मिनट में चावल बन जाते हैं, तो माउंटेन के ऊपर आपका कम से कम भी 15-20 मिनट यूज हो जाएंगे, तब जाके वो बनेंगे। सेम अमाउंट, सेम वाटर, एवरीथिंग इज क्वाइट सेम। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि माउंटेन के ऊपर जो प्रेशर है, जो अपवर्ड प्रेशर है, मीन्स ऊपर से जो प्रेशर लगाया जा रहा है कुकर की सीटी के ऊपर, वो प्रेशर क्या है, लो, क्योंकि वहाँ पे एयर ही कम है, एयर ही कम है तो एयर प्रेशर भी क्या होगा, कम, इसलिए सीटी के ऊपर प्रेशर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। प्रेशर कम है तो जितना भी हमने जो वाटर वगैरह, चावल वगैरह जो भी अंदर ले रखे थे, उसे जैसे ही हीट दी जाएगी, वो हीट ले लेके क्या हो जाएगा, सारी भाप बन बन के वो पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा, मतलब बार बार में सीटी आएंगी। ठीक है, अगर कोई ये सोच के बैठा कि भाई 3 सीटी का रूल बना रखा हमने कि 3 सीटी आई और चावल बन गए, तो वो उधर तो फिर कच्चे ही खाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। वो बार बार में ऊपर से प्रेशर कम है, सीटी बार बार में उठेगी, क्योंकि ऊपर से दबाव तो बनेगा नहीं उसके ऊपर, इसलिए सीटी उठती रहेगी और जो हीट हमारी वो भाप बन बन के बाहर जाती रहेगी। ठीक है, मतलब कि वेस्टेज ऑफ हीट होगा, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता रहेगा, इसलिए बहुत देर तक हम उसको बॉयल करते रहेंगे तो जाके, या फिर हम एक दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, सीटी के ऊपर कुछ वजन रख दें,
क्योंकि जब वजन रखा जाएगा तो वजन क्या करेगा, कोई भी वेट रखा जाएगा तो वेट क्या करेगा, उस सिटी के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो फोर्स जो है वो नीचे ग्राउंड वाले फोर्स के इक्विवेलेंट काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बाय पुटिंग ए फोर्स। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वहाँ ज़्यादा टाइम क्यों लगता है चावल बनते टाइम, तो आप बता सकते हैं कि जो एयर प्रेशर है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी जल्दी गैस में जाना शुरू हो जाएगा, और लिक्विड अगर जल्दी गैस में जाएगा तो वो लिक्विड जो है ज़्यादा हीट कंटेन नहीं कर पा रहा है अपने अंदर, और ज़्यादा हीट कंटेन नहीं कर पा रहा तो जो चावल है उसको हीट नहीं मिल रही, क्योंकि चावल को हीट डायरेक्ट उस पानी से ही मिलती है, ठीक है, इस वजह से। चलिए, अभी बहुत टाइम लगा दिया हमने इस फ्लो चार्ट के ऊपर, दो ही बात थी यहाँ से सीखने के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्जन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, किसको कैसे करना वो पता लग गया। एक कंडीशन, एक दूसरा जो फेज होता है वो होता है कि डायरेक्ट कोई चीज़ सॉलिड से गैस में जाए, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस आप लोगों ने सुनी होगी, तो वो भी आपको याद रखनी है कि सॉलिड टू डायरेक्ट गैस दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन, आगे भी हम पढ़ेंगे उसको। जो कुछ मैंने बोला वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो आप लोग यहाँ से ही पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते टाइम क्या कुछ होता है ये सब। ओके, ये एक पॉइंट है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द गैसेज इनटू सॉलिड्स, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कांट अप्लाई प्रेशर बियॉन्ड ए लिमिट। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस पकड़ी और उसके ऊपर प्रेशर लगाया और उसको सॉलिड बना के छोड़ देंगे, नहीं। सिर्फ कुछ एक गैस हैं जो सॉलिड से पहले, सॉरी, गैस से पहले लिक्विड में आएंगी और लिक्विड से फिर सॉलिड में हो सकती हैं, ठीक है। हर कोई तो लिक्विड भी नहीं हो सकती है। चलिए, ये कुछ प्रोसेस हैं भाई, इनके नाम आपको याद रखने हैं। मीन्स अगर लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में जाती है, ये वाली एरो, ठीक है, ये वाली एरो, अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो हमें क्या बोलना उसको, मीन्स वो प्रोसेस बोली जाएगी अपनी फ्रिजिंग। मीन्स जैसे पानी को सॉलिड बना दिया, बर्फ बना दिया, तो वो क्या बोला जाएगा, फ्रिजिंग। सॉलिड थी अपने पास, आइस थी, आइस को हमने लिक्विड बना दिया, तो वो प्रोसेस क्या बोली जाएगी, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न, ठीक है, दोनों ही नाम हैं। फ्यूज़न थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक वर्ड है, मेल्टिंग एक नॉर्मल वर्ड वर्ड है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है लिक्विड से गैस में अगर हम किसी चीज़ को भेजते हैं तो वो प्रोसेस बोली जाती है बॉइलिंग या इवापोरेशन, ठीक है, और गैस से रिटर्न मार दें अगर हम लिक्विड में तो उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन, ठीक है। ये कंडेंसेशन आपको ग्लास के ऊपर वो जो पानी जमा हो जाता है, अगर ग्लास में आप लोग कुछ आइस चिल्ड वाटर डालते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल के रखते हैं कांच गिलास में, तो उसके बाहर जो लेयर है उसके ऊपर कुछ पानी जमा हो जाता है, ठीक है। वो पानी क्या है, एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट थे, जो वाटर वेपर्स थे एयर में, वो लगातार वहाँ टच होते रहते हैं, और टच होकर उनको टेम्परेचर कम मिलेगा, तो टेम्परेचर कम मिलने से वो क्या होंगे, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस लिक्विड बन जाती है। इसके बाद है सॉलिड से अगर आप लोग डायरेक्ट गैस में जाएंगे तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में, ये भी उसी टाइम उसी सब्सटेंस के साथ पॉसिबल है जो इधर से इधर जाएगा, मीन्स लिक्विड सॉलिड से गैस बनेगा, वही गैस से दोबारा सॉलिड बनता है, मीन्स लिक्विड में नहीं जाएगा। जनरली होता क्या है, सॉलिड से पहले टेम्परेचर बढ़ के चीज़ लिक्विड होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ के वो चीज़ गैस में जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएंगे और फिर गैस से डायरेक्ट रिटर्न करके सॉलिड में आ जाते हैं, तो जब वो सॉलिड से गैस में जाएंगे तो सब्लिमेशन बोला जाएगा प्रोसेस को, अगर गैस से दोबारा से सॉलिड बनेंगे तो इस प्रोसेस का नाम होगा डिपोजिशन। ये एक न्यू टर्म है, शायद आपको ना मिले नॉर्मली किसी किताब में, तो आप लोग याद रखिए, डिपोजिशन बोलेंगे उसको हम। इसके बाद ये एक अच्छा टॉपिक अभी आपके लिए, चलिए यहाँ से इसको आप देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर, मीन्स इस जीरो से नीचे जितना भी टेम्परेचर की वैल्यू होंगी इस लाइन पे, वो सारी हैं नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले रखा है पानी का, यहाँ इस ए पॉइंट के ऊपर हमने ले लिया वाटर। जब पानी इस ए पॉइंट पे है तो वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड में है मीन्स आइस की फॉर्म में है या लिक्विड में है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि वो किस टेम्परेचर पे है। हम यहाँ टेम्परेचर लाइन के सामने चेक करेंगे, तो हमने चेक किया कि वो है
0 डिग्री सेल्सियस पे। ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि ये थोड़ी सी लाइन मेरी नीचे है जीरो से, तो वो तो माइनस में, ऐसा नहीं है, ये लाइन टेढ़ी है, वो जीरो ही है, समझो। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या वो सॉलिड है, वो लिक्विड है? गैस का तो कोई चांस है नहीं, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि वो कौन सा है, ठीक है? अगर वो है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो है यहाँ पे किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। अगर वो है बी पॉइंट पे तो वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ए और बी में क्या फ़र्क है भाई, ए भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बी के सामने भी चेक किया जाएगा तो टेम्परेचर क्या है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, या तो सॉलिड होनी चाहिए या फिर लिक्विड होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने स्टेट कब चेंज करेगी, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। जीरो से अगर हम एक करेंगे या आधा भी करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते थे कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब जो आइस थी वो चेंज होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहाँ तो लाइन बिल्कुल भी एलिवेटेड नहीं है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर भी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए पॉइंट पे वो सॉलिड है और बी पॉइंट पे वो लिक्विड है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए होता है एक फैक्टर, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, ठीक है। मीन्स जब यहाँ पे आपका ए पॉइंट के ऊपर जो था सॉलिड फॉर्म, मीन्स आइस जो थी, उस आइस को अगर वो 1 किलोग्राम आइस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है यहाँ पे, अपने दिमाग में सेट रखना आपको। अगर वो 1 kg आइस है, 1 किलोग्राम अगर वो आइस है यहाँ पे इस ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट का मतलब क्या है, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ ए, ए मैंने ऐसे ही मान रखा है अपने खुद का, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कि बात यह है कि वो चीज़ इस फॉर्म पे है, इस स्टेज पे है, और बी मतलब वो थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मीन्स यहाँ पे वो सॉलिड थी, आइस थी, 1 किलोग्राम आइस थी अपने पास। जब उस आइस का टेम्परेचर चेक करके देखा हमने, तो टेम्परेचर मिला उसका हमें 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझने की कोशिश करना इस पॉइंट को। 1 किलोग्राम आइस थी, थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक किया, पता चला कि उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। और ये बात सच है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर पानी जो है आइस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने उसको हीट देनी शुरू की। हीट कितनी दी हमने, हमने उसको दी है हीट 334 किलोग्राम किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम जब वो थी आइस, तो उस 1 किलोग्राम आइस को हमने कितने हीट दी है, 334 किलो जूल, इतनी हीट हमने उस 1 किलोग्राम आइस को दी, ठीक है। जब हम इतनी हीट उसको देते हैं 334 किलोग्राम, और फिर हम उसका दोबारा से टेम्परेचर चेक करते हैं, तो अब भी उसका टेम्परेचर कितना मिलेगा हमें, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब वो आइस ना रह के क्या बन चुका है, लिक्विड बन चुका है, समझ आया आपको। मतलब कि ये वो हीट होती है जो थर्मोमीटर में वैल्यू को मतलब चेंजमेंट में शो नहीं करेगी, मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए टेम्परेचर ऑन अ गिवन थर्मोमीटर स्केल, बट द हीट विच वी हैव गिवन टू दैट सब्सटेंस दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कि ये हीट जो है थर्मोमीटर में, इसकी कोई रीडिंग नहीं दिखेगी आपको कि हमने हीट दी और टेम्परेचर 0 से 1 हो गया, 0 से 0.5 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टेम्परेचर विल बी स्टिल ऑन 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हीट की जो मीन्स द इफेक्ट ऑफ हीट, वो क्या होगा, सॉलिड से वो सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो हीट हमने दी है, ये किस पर्पज़ के लिए यूज हुई है, जो सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ये हीट यूज की गई है, ठीक है। अगर हम 334 की बजाय 335 किलो जूल दे दें यहाँ पे, या 340 किलो जूल हीट दे दें, तो फिर क्या होगा, 334 तो किसके लिए यूज होगी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ख़त्म करने के लिए यूज हो गई। मतलब कि 334 किलो जूल ने तो सॉलिड से पार्टिकल का अट्रैक्शन ख़त्म करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया उस आइस को।
और जो बाकी हमने और दी है 6-7 किलो जूल और, मीन्स 340-42 अगर मैं बात करूं तो जो 6-7 किलो जूल और हीट हमने दी है वो किसके लिए यूज़ होगी? अब वो हीट क्या करेगी? वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगी, ठीक है। अगर हम 334-35 से ज़्यादा हीट देते हैं, 34 और 35 तो आपको सेम ही मिलेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इससे ज़्यादा हीट अगर देते हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, फिर ये लाइन यहाँ से ऊपर चलना शुरू होगी, यूँ धीरे धीरे ये लाइन ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री के ऊपर आपको ए और बी, मीन सॉलिड और लिक्विड, दोनों ही कंडीशन मिल सकती हैं, ठीक है। अगर सॉलिड है तो उसको इतनी हीट दे दो वो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अभी कितना रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर 334 किलो जूल से ज़्यादा हीट अगर हम देते हैं तो फिर क्या होगा? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, और जैसे जैसे हीट हम उसको ज़्यादा देना शुरू करेंगे वो ऊपर जाता जाएगा और वो पहुँच जाएगा सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे क्या बन चुका? वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उबलता हुआ खोलता हुआ पानी है ये वो बन चुका है। ये ऐसे लाइन है स्ट्रेट, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अब वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, उबलता हुआ पानी है, ठीक है। अगर हम इस लिक्विड को, इस उबलते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पे जो उबलता हुआ पानी है, इस पानी को अगर हम इतने किलो जूल हीट और दे दें, ठीक है, अगर हम इतने किलो जूल हीट और दे देते हैं तो फिर वो बन जाता है क्या? यहाँ डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा और फिर वो बन गया है गैस, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है वाटर, और आपको गैस फॉर्म में मिल सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर लिक्विड है और इतनी हीट दी तो वो गैस में मिलेगा, और अगर लिक्विड को ये हीट नहीं मिलती है तो वो उबलता रहेगा लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? तो ये इस टाइप से, ये जो हीट है, जो हीट थर्मोमीटर में शो नहीं होती, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हिडन। सो लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट, ऐसी हीट जो उस सब्सटेंस में डिलीवर तो की है हमने लेकिन थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग नहीं दिखती हमें। मतलब कि उबलते हुए पानी में इतनी हीट हमने दी तो है लेकिन जब थर्मोमीटर डाल के देखा तो गैस फॉर्म तो गैस मिल गई हमें लेकिन टेम्परेचर अब भी कितना रहेगा उसका? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब इनके अलग अलग नाम हैं। नाम क्या है? अगर लिक्विड से गैस बनाना है तो हम बोलेंगे उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर हमें बनाना है सॉलिड से लिक्विड तो हम उसको, जैसे कि मैंने बताया था एक फ्यूजन टर्म थी अभी पीछे हमने चेक की थी, सॉलिड से लिक्विड का जाता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो इस हीट का नाम हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर। तो ये आपको ये पूरा ग्राफ आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर व्हाट विल बी द स्टेट और व्हाट विल बी द फेज ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और नीचे आपको ऑप्शन मिले सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड एंड गैस बोथ, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए आपका आंसर जाएगा लिक्विड एंड गैस बोथ, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर भी ऐसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द फेज ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हर कोई सोचेगा 0 पे तो भी बर्फ बन जाती है तो सॉलिड पे टिक मार देगा फटाक से, ऐसा नहीं है। आपको पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने हैं और उनमें अगर लिक्विड भी मिलता है और सॉलिड भी मिलता है और बोथ भी है तो आप बोथ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, मेल्टिंग फ्यूजन ये आपको पता ही है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाना उस प्रोसेस का नाम मेल्टिंग है। मैं इसको फास्टली कर रहा हूँ, आप लोग अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेके अपना बाद में पढ़ते रहना। फ्रीजिंग का मतलब है लिक्विड से सॉलिड में चले जाना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू होता है, ठीक है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉयलिंग भी सेम प्रोसेस है, आपको पता है कि लिक्विड से स्टीम या लिक्विड से गैसेस फेज में भेजने के लिए जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम होता है बॉयलिंग। बॉयलिंग पॉइंट ये भी वही है कि भी कितना आपको टेम्परेचर देना पड़ा, कितनी आपको हीट देनी पड़ी जिसके ऊपर वो, मीन्स ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑन विच इट स्टार्ट टू
बॉयल। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सेम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहना। सब्लिमेशन, ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट अगर कोई चीज़ सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस हर किसी बच्चे को याद रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि इसके एग्जाम्पल याद करना। अब तक आप लोगों ने एक दो एग्जाम्पल सुने होंगे, यहाँ पे मैंने कोशिश की है जहाँ जहाँ से जो कुछ मिला ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्पल लिखने की। तो ये हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको याद रखने हैं। इनमें से आई थिंक एक पूछा भी गया था कौन से एग्ज़ाम में था, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद KVS में था या नहीं था, लेकिन पूछा जा सकता है आराम से, ठीक है। सॉलिड CO2 जो है ड्राई आइस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लोग बहुत कम टेम्परेचर देंगे तो वो डायरेक्ट गैस से सॉलिड बन जाती है, मतलब कि लिक्विड नहीं बनेगी, डायरेक्ट गैस से सॉलिड। व्हाई इट इज़ नोन एज ड्राई आइस मीन्स सूखी बर्फ क्यों बोलते हैं इसको, सूखी बर्फ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो बर्फ होती है उसको जब रखा जाएगा एयर में तो क्या होती है, वो गीला कर देती है, जहाँ पे रखेंगे वो वहाँ पे मेल्ट होके पानी पानी कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी आइस है जिसको अगर आप हवा में रखेंगे तो ये थोड़ी देर में आइस का जो क्यूब होगा इसका, वो क्यूब पूरा का पूरा उड़ जाएगा और बिल्कुल एक टपका भी पानी का वहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी बड़े किसी मॉल से आइसक्रीम ली है तो हो सकता है आप में से किसी ने वहाँ पे देखी होगी। जैसे अपने यहाँ पे हम जो नॉर्मल आइसक्रीम खरीदते हैं अमूल की या कोई भी, उसमें क्या होता है वो तो अखबार में लपेट के उसको बोल देते हैं चलो अभी जाके खा लेना चल जाएगा काम। लेकिन बड़े मॉल में अगर आप लोग आइसक्रीम लेते हैं कुछ महंगी वाली क्वालिटी की, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक बॉक्स में पैक करके देते हैं, एक बॉक्स आइसक्रीम का, उसके बाहर एक बड़ा बॉक्स और उस आइसक्रीम बॉक्स और बड़े बॉक्स के बीच में वो कुछ कुछ क्यूब डाल के देंगे आपको। वो जो क्यूब होते हैं वो क्यूब हैं ड्राई आइस के, वो सॉलिड CO2 के क्यूब आपको डाल के देते हैं। आप उसको कहीं पे भी कैसी भी जगह पे लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो आइसक्रीम है वो एज इट इज़ ही रहेगी, सॉलिड फॉर्म में रहेगी। और अगर आपकी गाड़ी की सीट के ऊपर रखने से आपको ऐसी टेंशन भी नहीं रहेगी कि ये सीट को गीला करेगी या बाहर वाला जो कवर है वो धीरे धीरे इस अंदर वाले क्यूब्स के मेल्ट होने से गीला होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं, जब इसको यूज किया जाता है सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 मीन्स ड्राई आइस को जो डालते हैं उस बॉक्स के चारों तरफ, वो भी एक स्पैचुला से डालते हैं, और जब आप लोग घर आके इसको रिमूव करेंगे तो आप लोगों को भी एक स्पैचुला से ही रिमूव करना है। स्पैचुला बोले तो एक छोटी चम्मच केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है, या टोंग से रिमूव करेंगे, चिमटा जो होता है इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट साथ दिया जाता है जिससे आप उसको हटाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप हाथ से पकड़ के इसको हटाएंगे तो हाथ की जो हीट है, ठीक है, अपनी जो पाम हीट है उसको लेके वो जो सॉलिड CO2 के क्रिस्टल जो क्यूब्स थे वो जल्दी से उड़ने की कोशिश करेंगे, वो जल्दी सब्लिमाइज होंगे, और जब वो जल्दी सब्लिमाइज होते हैं तो वो आपके हाथ की हीट को भी साथ लेके चले जाएंगे, और आपके हाथ की हीट को साथ लेके चले जाएंगे तो आपकी जो स्किन है वहाँ से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, वो फट सकती है, ठीक है। इसलिए सॉलिड CO2 को जब भी यूज किया जाएगा या तो आप ग्लव्स यूज करेंगे या फिर आप टोंग से इसको यूज करेंगे, ठीक है। ये था एडिशनल मैटर, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा वैसे ही, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है आयोडीन क्रिस्टल, ये भी डायरेक्टली आपको, अगर आयोडीन क्रिस्टल को आप लोग किसी गर्म तवे के ऊपर रख के हीट देना शुरू करेंगे तो आयोडीन जो है वो डायरेक्टली वहाँ से उड़ ही जाएगा, कुछ आपको हाथ नहीं आने वाला है, ठीक है। नेपथलिन बोल्स, ये तो सबने देखा ही होगा, कपूर, कैम्फर की गोली, कैफीन, ठीक है, ये सारे वही चीज़ें हैं। कैफीन जो है वो अंडर वैक्यूम ही, आपको पता होना चाहिए, वैक्यूम के अंडर ही काम करती है, वैसे जनरली हम इसको खुले में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आर्सेनिक, आर्सेनिक इज़ ऑल्सो द सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, इट ऑल्सो अंडरगोज सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके बाद अपने पास पैथेलिक अनहाइड्राइड, ठीक है, पैथेलिक अनहाइड्राइड जो है ये भी सेम टर्म है, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नो नीड टू गो इन डीप मीन्स फॉर्मूला क्या है वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इवेपरेशन क्या है, सबको पता है इवेपरेशन का, मीन्स बॉइलिंग और इवेपरेशन में डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इवेपरेशन होता है मीन्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ का लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट होना। जैसे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाते टाइम क्या कुछ ऐसा करते हैं कि तार पे कपड़ा डाल के नीचे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि हमें तो ये पढ़ा है कि भाई जब तक 100 नहीं होगा इसका पानी भाप बनेगा नहीं, ऐसा नहीं करते हम वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं और वो फिर भी सारा का सारा पानी जो है वो वेपर फेज में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कपड़ा सुखाया जाता है तो उस टाइम पे सिर्फ एक हीट ही फैक्टर नहीं होता है जो उसको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है,
मीन्स ना केवल एक हीट मीन्स सनलाइट एकमात्र सहारा नहीं होता है, उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे मिलके काम करते हैं और उस पानी को लिक्विड फेज से स्टीम में या मीन्स वेपर फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो स्पीड ऑफ विंड है वो भी अपना काम करती है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, ठीक है, तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से भी एक अलग ही फैक्टर होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन बात ये थी कि भाई पानी जो है वो हमने पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि यहाँ जो पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर जाते टाइम जो साइड में और जो पानी की वाटर मोलिक्यूल हैं उनकी भी हेल्प लेते हैं, विंड की भी हेल्प लेते हैं और जो सनलाइट है उसकी भी हेल्प लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर मिलने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। अब जो साइड में जो उसके पार्टिकल थे उन्होंने उनकी हेल्प की, तो क्या फ़र्क हुआ? ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको एक गीला कपड़ा छाप के सुखा के दिखा देता हूँ। चलिए, ये था अभी एक गीला कपड़ा, ठीक है, इसके अंदर ये है वाटर ड्रॉपलेट। ओके, ये यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ी सी और भी पास पास हो सकते हैं, ये सिर्फ एक आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए, चलो हमने समझा कि भाई पहले इसको जाना है बाहर। ये जो पार्टिकल है, ये जो एक पानी का मॉलिक्यूल था जो मैंने डार्क कर रखा है, इसको बाहर जाना है, ठीक है। तो ये बाहर जाने के लिए किस किस चीज़ की हेल्प लेके बाहर जाएगा? एक तो इसके ऊपर बाहर से सनलाइट गिर रही है, उसकी हेल्प से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मीन्स टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, आप ये सोचिए कि इस पार्टिकल को यहाँ से बाहर जाने के लिए, यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। बेसिक यही तो रोल है केमिस्ट्री में, एनर्जी का है सारा फंडा। तो टेम्परेचर क्या है? एक एनर्जी का रिसोर्स ही तो है, वो तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो डार्क रेड कलर का एक पार्टिकल है, इसको बाहर निकलना है, और इसको बाहर निकलने के लिए कुछ स्पेशल, कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो एनर्जी इसको कहाँ कहाँ से मिल सकती है? पहले तो एनर्जी इसने ले ली भाई सनलाइट से, ये मैंने लिख दिया सन, एस से सनलाइट। दूसरा, इस पार्टिकल के ऊपर जोरदार हवाएं चल रही हैं, मीन्स ये मिल गई इसको विंड एनर्जी, ठीक है। अब भी इसका काम नहीं हुआ है पूरा, मान लिया सनलाइट से इसको मिल गई 10 जूल, ठीक है, हवा से मिल गई 5 जूल, लेकिन इसको चाहिए कितनी बाहर जाने के लिए? 20 जूल। तो इसको 5 जूल और चाहिए, अभी कहाँ से लेगा अब ये 5 जूल? अब ये जो 5 जूल इसको हीट की ज़रूरत है, ये हीट लेता है अपने पड़ोसियों से। ये जो पार्टिकल है साइड में, जिन जिन से ये टच है, इन सबको बोलेगा कि भाई साहब मुझे बाहर जाना है, मेरी हेल्प कीजिए। और फिर मैं बाहर जाने के बाद आप लोग भी धीरे धीरे ऐसे करके एक 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 बाहर आना शुरू हो जाइए, ठीक है। तो इसको 5 जूल अब कौन देगा? जो जो इसके साथ वाले थे, जो इसके पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल थे, वो इसको अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो समझो कि इसके पास कुछ खुद की थी पहले से, ठीक है, 10 जूल इसको सनलाइट से मिली, 5 जूल इसको विंड से मिली, और बाकी जो 2-4 जूल की ज़रूरत थी, क्योंकि 20 पे समझो ये बाहर जा पाता है, तो 1-2 जूल इसकी खुद की थी, तो इसको 2-3 जूल, 1 जूल 2 जूल जो भी रिक्वायरमेंट है इसकी पेंडिंग है, वो इसको इसके पड़ोसी से मिल जाती है, और ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया है बाहर, ठीक है। बाहर आ गया तो आपका कपड़ा कुछ इस टाइप से, यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, ये बाहर आ जाता है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स ये जो था डार्क वाला, यहाँ से ये बाहर पहुँच गया, ठीक है। जब ये बाहर गया है तो जो अंदर बचे हैं, आप ध्यान से सुनना मेरे इस पॉइंट को, जो पार्टिकल, जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर बचे हैं, क्या उनके पास एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही है? क्या उनके पास हीट एनर्जी, एनर्जी का मतलब हीट ही समझना, जब तक मैं इस चैप्टर में हूँ एनर्जी मतलब हीट ही है, क्या उनके पास जितनी एनर्जी पहले थी अब भी उतनी है, या उनकी एनर्जी कुछ बढ़ गई या उनकी एनर्जी कुछ घट गई है? वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। उनकी एनर्जी पहले से क्या हो गई है? लो। अब ये जो कपड़ा है, इस कपड़े में एनर्जी पहले से कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो साइड वाले पड़ोसी भाई साहब थे, इन्होंने सब ने थोड़ी थोड़ी अपनी एनर्जी किसको दी थी? जो बाहर गया इसको दी है, ठीक है। तो इनके पास जो अमाउंट ऑफ हीट था वो क्या है? पहले से कम।
अगर अमाउंट ऑफ हीट इनका पहले से कम है तो अब ये कपड़ा आपको जब आप इसको हाथ लगा के देखेंगे तो कैसा फील होगा? इट विल फील लिटिल बिट कूलर देन बिफोर, ये पहले से आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, ये तो थी बात सिर्फ एक गीले कपड़े की। अब हम कहानी को लेके चलते हैं एक मटके की तरफ, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। ये एक मटका नहीं हो सकता इस टाइप से, तो ये है समझो एक मटका। ठीक है, इसके अंदर है पानी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वाई वाटर रिमेन कूल इन ए अर्दन पोट। अर्दन पोट बोले तो घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? क्यों रहता है भाई, अभी बताते हैं क्यों रहता है। ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं। इस घड़े के ऊपर धूप गिरी तो उतना तो क्या चाहिए कि धूप गिरेगी तो क्या होना चाहिए, पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बिल्कुल ही आप लोग छत के ऊपर रख के आगे 3-4 घंटे और ऊपर जाके देखा और वो उबलता मिला और फिर आके बोलो गुरुजी गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में जल्दी से उसका पानी गर्म नहीं होता है। अगर कंटिन्यू सप्लाई करते रहेंगे हीट की तो फिर तो बॉयल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में पानी गर्म नहीं होगा, या फिर एज़ कम्पेयर टू ए मेटल कंटेनर इट विल रिमेन ऑलवेज लेस टेम्परेचर। ओके, क्यों होता है वो देखिए भाई। ये जो एक पार्टिकल है समझो, इसके ऊपर हीट गिरना शुरू हुई, पहले सनलाइट गिरना शुरू होती है, तो ये पार्टिकल जो है समझो जो जो सरफेस के पास है, ये है टच में, ये भी इसके बॉडी के टच में है, ये भी टच में है समझो, इनके ऊपर पहले हीट आके गिरेगी, क्योंकि यही टच में है। पहले मटका गर्म होगा तो यही गर्म होंगे, इधर से वाले भी अगर इधर से धूप गिर रही है तो पहले ये गर्म होंगे। अब ये गर्म होके क्या होंगे, ये तो चाहते हैं बाहर निकलना, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है आज के दिन में। तो इनको फ्रीडम कब मिलेगी, जब ये यहाँ से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएं। और ये गैस में कन्वर्ट कब हो सकते हैं, जब इनके पास कुछ स्पेशल या सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है इनके पास वो कहाँ से मिलेगी, कुछ तो सनलाइट से आ गई, कुछ फिर जब इनको लगता है कि हाँ अब हम नियरली क्लोज हैं बाहर निकलने के, तो फिर से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू द पड़ोसी। ठीक है, ये इनके जो साथ जिन जिन से ये टच हैं इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब थोड़ी सी एनर्जी दे दो, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो जो बचे हुए जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे थोड़ी थोड़ी एनर्जी इसको देना शुरू कर देंगे। थोड़ी थोड़ी क्यों देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं देते, उसके लिए भी एक फिजिक्स में रूल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है दोनों का ही, तो उस टाइम पे टेम्परेचर इक्वल होने की वजह से हीट का फ्लो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को समझो एनर्जी मिल गई और ये तीनों आ गए बाहर, ये तीन पार्टिकल बाहर आ गए। अब जब ये तीन बाहर आ चुके हैं तो जो बाकी बचे हुए हैं उनके पास एनर्जी क्या बची है, क्या उनके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट है अब भी, या कुछ अमाउंट ऑफ हीट कम है? डेफिनेटली योर आंसर विल बी लेस अमाउंट ऑफ हीट। आपका जवाब यही होगा कि उनके पास कम एनर्जी बची है, क्योंकि कुछ एनर्जी उन्होंने अपनी अपने भाइयों को बाहर भेजते टाइम दे दी है। तो जब एनर्जी अंदर कम बची है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी लो, मीन्स इट विल बी कूल, टेम्परेचर लो, एंड लो टेम्परेचर सब्सटेंस विल बी कूलर देन बिफोर। ठीक है, तो अब इस घड़े में पानी पहले से क्या मिलेगा, ठंडा ही मिलेगा आपको। ठीक है, मीन्स हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई यू कैन से दैट इवेपोरेशन कोजिज कूलिंग, ये पॉइंट बहुत बार यूज होता है, इवेपोरेशन कोजिज कूलिंग। ऐसे कोई 20-30 क्वेश्चन होंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में कि वाई दिस हैपन, उनका सबका एक ही आंसर होता है इवेपोरेशन कोजिज कूलिंग, एंड इवेपोरेशन इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई इट इज एट लो टेम्परेचर, ऐसा बोल के हर किसी का आंसर सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर इवेपोरेशन काम करेगा। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट पड़ेगी, ज़्यादा टच में आएंगे पार्टिकल और ज़्यादा पार्टिकल एक साथ बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप इन चारों फैक्टर को रिलेट करेंगे एक गीले कपड़े से, मीन्स अगर कपड़े को आप लोग श्रिंक करके तार के ऊपर डालेंगे, मतलब बिल्कुल उसको फोल्डिंग सी बना के श्रिंक करके सिकोड़ के अगर तार के ऊपर डालेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, मीन्स इवेपोरेशन विल बी स्लो। अगर उसको पूरा फैला के डालेंगे, स्ट्रेच्ड आउट करके डालेंगे, देन इवेपोरेशन विल बी फास्ट, बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई इवेपोरेशन इज फास्ट।
तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन से, जितना इवेपोरेशन फास्ट चाहिए उतना सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर भी, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, मीन्स जितना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा धूप गिरेगी किसी दिन कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में अमाउंट ऑफ वाटर, ये कपड़ा था गीला, इसके पार्टिकल जो हैं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, एनर्जी कुछ पड़ोसियों से लेके, कुछ बाहर से, कुछ हवा से लेके, और ये बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर पहले से ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अगर हवा में घूम रहे हैं तो अब क्या होगा, जो भी कुछ एनर्जी विंड की है या जो सनलाइट की, वो सारी किनको मिलती रहेगी, बाहर वालों को ही मिलती रहेगी, तो अंदर वालों को बाहर आने में क्या होगी, दिक्कत आएंगी कुछ, ठीक है, वो जल्दी से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर जो जो फैक्टर काम करते हैं वो सारे फैक्टर बाहर वालों के लिए काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए बारिश के दिनों में भले ही बारिश ना होती हो लेकिन अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो कपड़ा आपका नमी युक्त रहता है, मीन्स वो जल्दी नहीं सूखता है, मीन्स ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा। स्पीड ऑफ विंड, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इफ स्पीड ऑफ विंड इज़ हाई देन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर, ठीक है। तो ये चार फैक्टर थे भाई, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका काम हुआ ख़त्म। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, बॉइलिंग एक रैपिड प्रोसेस है मीन्स फास्ट प्रोसेस है, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग में हीट जो है नीचे से लगातार बॉयलर के द्वारा दी जाती रहेगी, और इवेपोरेशन में हीट से अलावा बाकी कई सारी चीज़ें काम करेंगी, तो धीरे धीरे सबका इफेक्ट एक फाइनल रिजल्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो ये स्लो प्रोसेस है। इट टेक प्लेस एट एंटायर मास ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग के टाइम पे ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर ऊपर से गर्म हो या नीचे नीचे से गर्म हो, अगर पतीला गैस के ऊपर रख दिया और गैस ऑन है तो आपका पूरा पानी एक साथ गर्म होता चलेगा। इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोग कभी जोड़ तालाब में स्विमिंग पूल में नहाए हैं तो आपने देखा होगा जो ऊपर वाली लेयर होती है स्विमिंग पूल की वो थोड़ी सी आपको यू कैन से लिटिल बिट ल्यूक वॉर्म वाटर यू विल गेट इट, थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म पानी वो होता है, और नीचे आपको ठंडा फील होता है क्योंकि वो इवेपोरेशन प्रोसेस में चला हुआ है, ऊपर वाले जो लेयर पे पानी था उसका इवेपोरेशन हो रहा है लगातार, तो वो हल्का हल्का गर्म मिलेगा और बाकी सारा ठंडा। बॉइलिंग में ऐसा नहीं है, बॉइलिंग में पूरा गर्म चलेगा। इट टेक प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, पता है बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, इवेपोरेशन आपको पता है कि किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है, टेम्परेचर कम है तो स्लो रहेगी, फास्ट है तो मीन्स फास्ट चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर फिक्स चलता रहेगा, कहीं पे भी थर्मोमीटर डाल के देखो उस लिक्विड में सेम मिलेगा। इवेपोरेशन में ऊपर थर्मोमीटर टच किया तो टेम्परेचर की वैल्यू कुछ हो रहे हैं, नीचे किया तो कुछ हो रहे हैं। चलिए अब हम सबसे ज़रूरी जो पार्ट है आज के सेशन का उसके ऊपर चलते हैं। अब यहाँ से कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझो आपने मोर देन 90% जंग जो है जीत ली है, ठीक है। बहुत सिंपल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और भी एडवांस लेवल हो सकता था जो कि मैंने किया नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। वो NTSC लेवल की अभी इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आपको जो आपका लेवल है उससे काफ़ी ऊपर तक के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। चलिए भी फटाफट करते हैं, आप लोग अपना पोज करके आराम से देखते रहना। ऑल मटेरियल्स मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर कोई सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगा, क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत बात है भाई, क्योंकि सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन बोले तो कि कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से भी गैस में जा सकती है, ठीक है। तो ये बात हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो वी विल कंसिडर इट दिस स्टेटमेंट एज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, What term is used to describe the phase change of a solid to liquid? Phase change का मतलब है कि transition phase, मतलब कि बदलाव जो होता है solid से liquid, तो उस term बोले तो उसको क्या definition दी थी हमने, उसको क्या terminology में हमने लिखा था कि वो क्या बोला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे solid से liquid होना, that is melting, ठीक है। freezing होता है इससे उल्टा, liquid से solid होना वो होगा freezing और solid से liquid होना melting। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट फेज मैटर वुड यू एक्सपेक्ट टू वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आप पानी को किस फॉर्म में एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसके लिए जानना जरूरी है कि भाई रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 298 केल्विन,
ठीक है, ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर माना गया है केमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी किस फॉर्म में मिलेगा। सीधी सी बात है, जीरो के ऊपर होता तो हम बोलते भी सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है, 100 पे होता तो भी हम बोलते लिक्विड या भाप दोनों हो सकता है, लेकिन 25 में तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, डेफिनेटली वो किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स आर डैश देन द सॉलिड, तो लिक्विड में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बजाय क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वीकर। ऑल लिक्विड्स आर द सेम, हर किसी लिक्विड की सेम डेंसिटी हो सकती है, विस्कोसिटी हो सकती है, सोलिबिलिटी हो सकती है, या कोई भी नहीं हो सकती है, ये तीनों की तीनों चीज़ें गलत हैं। हर लिक्विड की डेंसिटी अलग है, उनकी विस्कोसिटी अलग है, सोलिबिलिटी भी अलग होती है, ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। मैंने डार्क लेटर में लिख रखा है तो आपको टेंशन नहीं होगी, जो डार्क है वही आंसर है। नेक्स्ट है, लिक्विड दैट मूव क्विकली डाउन हिल आर डिस्क्राइब्ड एज बींग, मतलब कि एक ऐसा लिक्विड जिसको अगर आपने ऐसे इंक्लाइंड के ऊपर रखा तो बहुत जल्दी जल्दी वो स्लाइड करके नीचे आ गया, मतलब कि वो गाढ़ा नहीं है, ठीक है, थिक नहीं है, और थिक और गाढ़ा जो है इसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड है दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है, तो मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, लो है, ठीक है, वो विस्कस नहीं है, वो गाढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए वो फटाक से नीचे आ गया। अगर आप किसी गाढ़ी चीज़ को डालते, जैसे आप हनी को डालते एक स्लोप्स के ऊपर से, तो हनी धीरे धीरे आता, पानी डालते तो फटाक से नीचे आ जाता, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी लो है एज कम्पेयर टू हनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिक्विड्स कैन बी कम्बाइंड टू फॉर्म सॉल्यूशन, किसी भी लिक्विड को आप पकड़ के मिलाओ सॉल्यूशन बना डालेंगे, गलत बात है बिल्कुल, ठीक है, अगर आप ऑयल को पानी में डालेंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है, घी को पानी में डालेंगे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन ना बनने वाले, जिनके बारे में चैप्टर नंबर सेकंड में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो केवीएस के सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, नो प्योर एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, की कोई भी प्योर एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है, मरकरी एक मेटल है, एक एलिमेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ब्रोमिन एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब एलिमेंट और मेटल नॉन मेटल के बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जब हम करेंगे, जो कि केवीएस ने दे रखा है सिलेबस में, वो हम करेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा। चलिए ये बात गलत साबित हुई। नेक्स्ट है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द गैसेज, भाई किसी सिस्टम का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये एक कंटेनर था, ये एक सिस्टम था, इसके नीचे हमने लगा दी भाई आग, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरी हुई थी, गैस, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए थे, हमने नीचे से आग लगा दी, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल थे ये क्या होंगे, पास पास आएंगे या दूर दूर भागेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, अगर ये दूर दूर जाएंगे तो जिस कंटेनर में इनको डाल रखा है उसको ये तोड़ने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, ठीक है, टक्कर मार मार के उससे, फाड़ के उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है कंटेनर का या इस गैस का प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, ये जो प्रेशर है ये बढ़ गया है, ठीक है, प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने हीट दी, हीट दी तो उनके पास एनर्जी आई, एनर्जी आई तो भाई एनर्जी को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, अब वो लगाएंगे कहाँ पे, दीवारों पे लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ ए लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस बनाएंगे, सबको पता है कि पानी से भाप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग। नेक्स्ट, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटमोसफेयर, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल जितने भी हैं सारे के सारे एटमोसफेयर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किसी भी जगह पे जाके चेक करो हर जगह गैस का प्रेशर सेम मिलेगा, गलत बात है बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो कभी हवा ही ना चलती, विंड फॉर्मेशन होती इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, हवा के प्रेशर में चेंजमेंट होता है, इसलिए हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो एयर पार्टिकल है वो मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, ग्रामेटिकल एरर भी नहीं जाएंगे पर हम, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, गैसेज हैव हाई डेंसिटी, मीन्स गैस जो हैं बड़ी थिक होती हैं, बड़ी भारी होती हैं, गलत बात है, गैसेज तो बहुत हल्की होती हैं ना, गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन सॉलिड, गैसेज को सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई, उनको दबाया जा सकता है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, गैसेस के पार्टिकल बीच में स्पेस है तो वो स्पेस जो है वो भरा जा सकता है उनको दबा दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एज द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे उसका जो वॉल्यूम है, इट्स वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम भाई घटेगा, कैसे,
ऐसे ये था अपने पास एक कंटेनर। जब इसको हमने टेम्परेचर हाई दे रखा था तो सारे गैस के पार्टिकल दूर दूर भागे हुए थे, भाग रहे थे, भाग रहे थे। तो मतलब इस पूरे कंटेनर को घेरे हुए थे, घेरे हुए थे मतलब वॉल्यूम था, जितना कंटेनर मिला सारा ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने। तो मतलब कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था उस टाइम पे। जैसे हमने टेम्परेचर हटाया यहाँ से, जैसे हमने टेम्परेचर हटाया तो क्या हो जाएगा अभी वहाँ पे, ये था टेम्परेचर हमने कम कर दिया, कम कर दिया तो इनके पास जो एनर्जी थी, जो इनकी हीट एनर्जी थी, वो एनर्जी क्या हो गई है, साइड में जो लो टेम्परेचर है वो इनकी हीट यहाँ जानी शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता हाईर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करती है, तो यहाँ टेम्परेचर हाई है इनके पास थोड़ा सा, और बाहर जो है ठंडक पैदा कर दी है, तो इनका टेम्परेचर घट गया है। टेम्परेचर घट गया है तो ये पार्टिकल लेस एनर्जेटिक होंगे, और जब भी आपकी एनर्जी खत्म होती है तो आप लोग क्या होते हैं, गिर जाते हो, है ना। जिसके पास एनर्जी है वो कूदता रहेगा, छलांग मारता रहेगा, भागता रहेगा। जिसके पास एनर्जी खत्म हुई वो एनर्जी जाने के बाद नीचे गिर जाएगा। सेम प्रोसेस इनके साथ होगी। जैसे इनका टेम्परेचर हमने कम किया, टेम्परेचर कम होने से इनके पास जो जो हीट थी वो साइड में मीन्स सराउंडिंग में चली गई और इनकी एनर्जी कम हो गई, तो ये नीचे गिर गए। नीचे अगर गिर गए तो इनका वॉल्यूम क्या है, अब ये कितने कंटेनर में हैं, क्या कंप्लीट कंटेनर में हैं या हाफ कंटेनर में हैं। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये हाफ कंटेनर में है। अब मतलब कि पहले था फुल वॉल्यूम, अब हो गया हाफ, तो मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था। मॉलिक्यूल्स इन ए गैस आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। मॉलिक्यूल जो है गैस के लगातार मोशन में रहते हैं, ये बात तो गैस क्या किसी भी चीज़ के लिए बोल दे तो भी हम सच ही बोलते इसको, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी थी कि दे ऑलवेज रिमेन इन मोशन। नेक्स्ट, अभी गैसेज एट हाइयर टेम्परेचर, अगर गैसेज हाइयर टेम्परेचर पे हैं तो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हैव मोर एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ा रखा है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, देन एट कूलर टेम्परेचर। सही बात है भाई, ठंडे हैं अगर गैस के मॉलिक्यूल तो एनर्जी कम है पड़ी है, और अगर वो गर्म कर दिए मीन्स टेम्परेचर हाई कर दिया तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और दूर दूर तक भागेंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गैसेज हैव सेम प्रेशर थ्रू आउट द एंटायर एटमोसफेयर, पूरे एटमोसफेयर में गैसेज को कहीं जाकर चेक कर लो सेम प्रेशर मिलेगा, गलत बात है बिल्कुल। थोड़ी देर पहले भी ऐसे ये झूठ बोल रहे थे, वो भी मैंने आपको बताया था कि विंड फॉर्मेशन तभी होती है जब प्रेशर की चेंजमेंट होती है, तो ये बात गलत हुई। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाइएस्ट एनर्जी, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर के पास हाइएस्ट एनर्जी, ये बात मैंने कल वाले सेशन में आपको बताई थी, आपको याद हो तो, कि हाइएस्ट एनर्जी किस स्टेट में होती है। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है पीछे की वीडियो जाके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे कम होती है एनर्जी BEC में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बाद सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैस, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है प्लाज्मा की। याद था आपको कुछ थोड़ा सा, गैस का बहुत 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 कम टेम्परेचर करके हमने क्या बना दिया था, BEC बना दिया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 0 केल्विन, बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर किया था, इतनी कम एनर्जी हो गई थी। सॉलिड में एनर्जी थोड़ी सी ठीक थी, लिक्विड में एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, गैस में एनर्जी और बढ़ेगी, और गैस को बहुत ज़्यादा हीट दे दी थी तो वो क्या बन गई थी, प्लाज्मा। तो याद रखना सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, प्लाज्मा के पास। ठीक हो जाएगा भाई। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ लोवेस्ट एनर्जी, तो लोवेस्ट किसके पास बताई मैंने अभी अभी, BEC के पास लोवेस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में BEC है नहीं, तो BEC नहीं है, तो इनमें से चूज करना पड़ेगा, इनमें कौन बचा फिर, सॉलिड बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 400 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। ये मैं कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले सेशन में, अब किसी को अगर नहीं समझ आता हो तो वहाँ से देख लेना, अदरवाइज ये लिखा हुआ है मैंने, आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन प्रोसेस, इनमें से कौन कौन सा सब्लिमेशन प्रोसेस में जाता है। मैंने आपको 7 नाम बताए थे, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 4 और भी हैं अभी, आपको वो भी याद रखने हैं, तो ये तीनों के तीनों जो हैं सब्लिमेशन में जाते हैं। नेक्स्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आप लोगों को याद रखना है, जनरली पानी का मेल्टिंग पॉइंट हर कोई याद रखता है कि 0 डिग्री के ऊपर जो है बर्फ़ से वो पानी बन जाता है, तो ठीक है 0 डिग्री बता देंगे, लेकिन आपको याद रखना है केल्विन में और फारेनहाइट और बस ठीक है केल्विन और फारेनहाइट, रूमर रैंकिन आपके काम के नहीं अभी, तो आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी और कौन सी स्टेट होती है। तो 0 डिग्री केल्विन का ही दूसरा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कितना होता है, 273 केल्विन। मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम हैं। ठीक है,
एक केल्विन में बता दी, एक सेल्सियस में बता दी, लेकिन टेम्परेचर दोनों में ही क्या है, सेम, तो बोथ एंड भी हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कि जीरो दिखा और गार्ड के आगे बढ़ गए। ठीक है, चार ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। चलिए, ये है भाई 2018 में जो KVS में पूछा गया था वो क्वेश्चन, डायरेक्ट मैंने उठा रखा वहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड व्हाइल गैस कैन बी कंप्रेस्ड। सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, देखा जाए तो ये बात क्या है भाई, थोड़ी सी इनकरेक्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन इस चार ऑप्शन का जो सिनेरियो है, इसमें हमारा एक मेन जो फोकस है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये बात कुछ हद तक गलत है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, इसने कुछ तो ठीक बोला है, वाइल गैस कैन बी कंप्रेस्ड, तो हम इसको ठीक मानते हैं। नेक्स्ट है, गैसेज स्प्रेड टू ऑक्यूपाई स्पेस अवेलेबल टू देम, गैसेज को जितना भी स्पेस मिलेगा वो सारे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने पढ़ा कि पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करते रहते हैं, एनर्जी खूब सारी है तो वो भागते रहेंगे। नेक्स्ट है, लिक्विड इवापरेट टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, इवापरेशन कॉजेज कूलिंग, मैंने बहुत बार बताया आपको, तो लिक्विड इवापरेट हो जाते हैं और बदले में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन डी जो है, द मास ऑफ हाफ मोल मीन 0.5 मोल ऑफ N2 गैस एंड 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम आर 28 ग्राम एंड 14 ग्राम रेस्पेक्टिवली, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है जानने के लिए आपको देखने होंगे आने वाले एपिसोड, क्योंकि ये आज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट मुझे पूरा सिखाना पड़ेगा। अगर मैं अभी जल्दबाजी में थोड़ा बहुत गा के चला जाऊंगा तो वो इतना डर बिठा देगा आपके अंदर कि जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम अच्छे से तो भी आपके माइंड में यही क्वेश्चन घूमता रहेगा कि उस दिन भी बताया था मैंने, तब भी समझ नहीं आया तो अब भी समझ नहीं आएगा, ऐसा डर मैं आपके माइंड में नहीं डालने वाला। बिल्कुल अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट को सारे को करेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ही हमें शुरू करना है, सो डोंट वरी। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, यही रॉन्ग आंसर था। ठीक है, ये ऊपर की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, ये वाली रॉन्ग थी। चलिए, 23, कैन वी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब तक आप लोगों ने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही हमने सुना है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम किसी को ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 98 भी हो सकता है, या पानी का बॉइलिंग पॉइंट 102 भी हो सकता है। थोड़ा सा अगर वो आप ऐसा बोलेंगे तो थोड़ा सा ओड सुनने में लग सकता है कि नहीं, आज तक तो हमने यही पढ़ा था भी, हमारे टीचर्स ने तो यही बताया था, लेकिन गलत है। सच यही है कि आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सर्टेन कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों पे जाके अगर आप कुकर में पानी डाल के उसको बॉईल करना शुरू करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग क्या है बॉइलिंग। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप लगवाएंगे यहाँ पे मेरा, कोई नहीं, पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ये है समझो पानी। ठीक है, बॉइलिंग का मतलब ये नहीं होता कि भी बॉइलिंग में ये उबलना शुरू हो गया, इसमें बुलबुले बनने शुरू हो गए, दैट इज़ बॉइलिंग। नो, दैट इज़ नॉट बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब ये है कि जब यहाँ से कोई भी एक भाप, कोई भी एक पानी का मॉलिक्यूल स्टीम बन के बाहर आ गया, तो वो जो प्रोसेस है स्टीम बन के एक पानी के मॉलिक्यूल का बाहर आना, एक दो चार जो भी आएंगे, उस प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब आ जाओ साइड में, अगर मैं यहाँ से हीट देता जा रहा हूँ, यहाँ पे है ये धरती में अपने किचन में, तो ऊपर से कितना प्रेशर लगा हुआ है, 1 एटमोस्फियर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हर जगह पे 1 एटमोस्फियर होता है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन मैं इसी पानी को लेके पहुँच गया हूँ भाई माउंटेन पे। ठीक है, पहाड़ी पे चला गया हूँ मैं, अब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, कम। ठीक है, समझो वो 0.5 है, मतलब आधा एटमोसफेयर ही लगा हुआ है। तो अब जो हीट है, इस हीट से इनको मॉलिक्यूल को ऊपर से दबाने वाला तो कोई है ही नहीं, मतलब कि जो ऊपर से प्रेशर लग रहा था इनके ऊपर वो क्या हो गया है, कम। तो थोड़ी सी हीट मिलते ही क्या हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। थोड़ी सी हीट मिलते ही बाहर आ जाना मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने से पहले ही बाहर आ जाना,
समझ आया आपको? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर ऊपर से दबाने वाली चीज़ नहीं है, मीन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर कम कर दिया जाएगा, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं इनको थोड़ी सी एनर्जी देने की ज़रूरत है, ये फटाफट बाहर आने शुरू होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल तो है ही नहीं समझो इतना अच्छा जितना कंट्रोल ज़मीन पे होता है। ज़मीन पे 1 एटमोसफेयर प्रेशर होता है जो कि इनको सबको दबाए रखेगा, और उस ऊपर वाले प्रेशर से बाहर आने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ता था, 100 डिग्री सेल्सियस जब देते थे, तो ये पानी भाप बन के बाहर आ पाता था, मीन्स पानी की भाप बनी और वो बाहर आई सरफेस को छोड़ के। लेकिन पहाड़ों पे क्या हो जाता है, पहाड़ों पे ऊपर से प्रेशर कम था, इसलिए थोड़ी सी हीट दो, ऊपर से रोकने वाला कोई है ही नहीं इतना, और ये फटाफट बाहर आ जाएंगे, मतलब कि 90, 92, 93 के आसपास ही, 100 से पहले ये पानी जो है भाप बनना शुरू हो गया, और भाप बनना शुरू होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। सो वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज बाई चेंजिंग द कंडीशन। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल जब आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम कर दिया, मीन्स डिक्रीजिंग इन प्रेशर करके। आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ा भी सकते हैं, मीन्स प्योर वाटर में कुछ मीन्स क्या बोलते हैं उसको, वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल भी नई टर्म है आपके लिए, चलो नॉन वोलेटाइल मतलब कोई ऐसी चीज़ पानी में घोल दी हमने जिसके वेपर नहीं बनते हैं, ठीक है, जैसे कि पानी में आपने घोल दिया नमक, नमक को अगर गर्म करते हैं तो क्या नमक वेपर में जाता है, कभी नहीं जाता है। पानी में चीनी घोल दी, चीनी को अगर आप पतीले में डाल के गर्म करते रहें विदाउट वाटर, ध्यान से सुनो, चीनी को पतीले में रख के या तवे के ऊपर रख के गर्म करेंगे तो क्या चीनी पहले पानी और पानी से भाप बनती है, कभी नहीं बनती है। तो जो ऐसे सॉलिड होते हैं जो कभी भाप नहीं बनते उनको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या नॉन वोलेटाइल सोलिड। ठीक है, तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ पानी में घोल देंगे नॉन वोलेटाइल, पानी में नमक घोलना या पानी में चीनी घोल देना, ठीक है, ऐसी चीज़ों का पानी में घोल देने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो पानी, जो शुद्ध जल आपका 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म होता था, वो शुद्ध जल अब आपका शुद्ध नहीं रहा है, इसलिए वो अब मोर देन 100 के ऊपर बॉयल होगा, 102, 103 तक जाके वो वेपर बनने शुरू होंगे। ठीक है, ये एक टेस्ट भी होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, हाउ यू कैन प्रूव दैट द वाटर इज प्योर, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि पानी शुद्ध है, ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, विदाउट डूइंग एनी केमिकल टेस्ट, यू हैव टू डू ओनली फिजिकल प्रोसेसेस, आप सिर्फ उसको ठंडा गर्म करके हिला के एक पतीले से दूसरे पतीले में डाल के बस फिजिकल प्रोसेस लगा सकते हैं, केमिकल प्रोसेस नहीं करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि पानी जो है शुद्ध है। तो उस टाइम पे हम यही टेस्ट करते हैं, उस पानी को बॉयल करेंगे और बॉयल करके टेम्परेचर चेक करेंगे थर्मामीटर से, मीन्स जब वो बॉयल होना शुरू होता है, अगर वो 102, 103 डिग्री सेल्सियस होने के बाद बॉयल हुआ तो हम बता देंगे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है। ठीक है, अगर वो 100 पे बॉयल होता है तो हम बोलेंगे येस इट इज़ एब्सोल्युटली प्योर वाटर। चलिए अभी ज़्यादा बखान नहीं करना है, टाइम बहुत हो चुका आपका। नेक्स्ट, अभी कैन वी इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सेम वही कि हाँ बढ़ा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये कुछ क्वेश्चन है भाई आपके नॉर्मल से, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट कलेक्टेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर कंटेनिंग आइस, से मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आइस को जैसे टेम्परेचर कम हो गया तो जो वाटर वेपर घूम रहे थे हवा में उनको टेम्परेचर कम मिल गया, तो वेपर को जब टेम्परेचर कम मिलेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी टाइम पास नहीं करना है मुझे, तो आप लोग इनको देख लेना। वाई इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ प्रेशर कुकर एट द हायर एल्टीट्यूड, अगर हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग अगर पतीले में चावल गर्म करेंगे या पतीले में पानी बॉयल करेंगे तो वो तो बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे प्रेशर कुकर यूज़ करना चाहिए, और उसकी सीटी के ऊपर भी एक स्पेशल टाइप का प्रेशर कुकर होता है जिसकी सीटी का वजन बड़ा होता है। ठीक हैवी सीटी वाला प्रेशर कुकर लेके जाते हैं माउंटेनियर अपने साथ, ताकि वहाँ पे वो नॉर्मल सिचुएशन पे अपना काम कर सकें। वट आर फ्लूड से मैं आपको बता चुका हूँ जो फ्लो कर सकें, मीन्स लिक्विड एंड गैस। वाई इज़ वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है रूम टेम्परेचर पे उसके पास ना तो इतनी हीट कि वो वेपर में चला जाए और ना ही इतनी कम हीट कि उसके पार्टिकल इतने क्लोज हो जाएं कि वो सॉलिड बन जाए, नॉर्मल सिचुएशन रहती है। नेम द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इवेपोरेशन, ऊपर डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे चारों फैक्टर। हाउ इज़ द हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ गैस यूजफुल टू अस, मीन्स गैस को हम लगातार हाई कंप्रेस कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, एक तो हम सिलेंडर में ज़्यादा भर पाते हैं भाई, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर में हम खूब सारे ऑक्सीजन भर के लेके आ सकते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से, अगर कंप्रेस नहीं कर पाते तो थोड़ी सी भर पाते हैं। ठीक है, गाड़ियों में सीएनजी है वो भी ऐसे ही है, कई किलोग्राम हम उसमें भर सकते हैं लगातार कंप्रेस कर करके। ठीक है, तो ये हमें हमारे लिए अच्छी बात है।
नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये बहुत आसान सा काम है। ऑन ए हॉट सनी डे व्हाई डू यू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, अगर ज़्यादा किसी दिन धूप गिर रही है तो हम उस दिन छत के ऊपर पानी भर के रख देते हैं या ज़मीन पे पानी छिड़क देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी ठंडक फील हो। उसका यही लॉजिक है, पानी बिखेर देंगे तो पानी लगातार धूप जो है वो पानी को इवेपोरेट करेगी और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक फील होगी आपको। नेक्स्ट है व्हाई डू पीपल प्रेस्पायर ए लॉट ऑन ए हॉट ह्यूमिड डे, मतलब कि पसीना ज़्यादा क्यों आता है ह्यूमिड डे पे, क्योंकि जितना भी पसीना पहले आता था अगर दिन अच्छा है क्लियर डे है तो पसीना सारा का सारा लगातार इवेपोरेट होता रहता है, हमें कूलिंग मिलती रहती है। लेकिन अगर ह्यूमिड डे है तो उस दिन वो पसीना तो आया है उतना ही हमें जितना पहले आता था, लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो पाया तो हमें ऐसा फील होता है जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है बॉडी में। ठीक है, ए बलून व्हेन कैप्ट इन सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम, ये आपने ज़रूर देखा होगा जब जब कभी स्कूलों में फंक्शन वगैरह करते हैं, मैंने तो अक्सर देखता था रहता था, मैं यही इंतज़ार करता था स्कूल में जब फंक्शन होता था कि भाई कब ये फटेगा, क्योंकि वो बलून वहाँ पे बांध देते थे शो के लिए स्टेज के चारों तरफ और हम सामने बैठे हुए हम देखते रहते कि लगातार धूप गिरना शुरू हुई, जब बलून को बांधा गया था तो उस टाइम पे बिफोर सनराइज़ उसको वहाँ पे टैग कर दिया था। ठीक है, तो अपनी तरफ से उन्होंने फुल उसको हवा भर के बांध दिया था, लेकिन जैसे ही सनलाइट शुरू हुई तो सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा बलून के अंदर जो एयर था उसका, और एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर और ज़्यादा फैलने की कोशिश करेगी और बलून की जो बाउंड्री है जो वॉल्स हैं वो इतने दमदार नहीं है कि वो उसको फैलना शुरू करा देंगी, इसलिए बलून जो है वो फट जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल वेरियस फैक्टर, ये सारा हो चुका है भाई। व्हाई डॉग कीप इट्स टंग आउट ऑफ द माउथ ड्यूरिंग समर, कुत्ता जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी अपनी जीभ को बाहर लटकाए घूमता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स बहुत कम है। अपने जैसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ से पसीना ज़्यादा निकलता है, ठीक है, मोस्टली बॉडी के हर पार्ट से पसीना निकलता है अपना, इसलिए हमें जीभ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुत्ते के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी बॉडी में जो है ये जो पोर हैं जिनमें से पसीना निकलता है ये बहुत कम है, इसलिए उसको पसीना नहीं निकाल पाता है वो, और पसीना नहीं निकाल पाएगा तो उसकी बॉडी की हीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो मर भी सकता है। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बॉडी को ठंडक देनी पड़ेगी। ठंडक देने के लिए क्या करना पड़ता है, इवेपोरेशन कराना पड़ेगा बॉडी के किसी न किसी पार्ट की हेल्प से, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, इसलिए वो जीभ बाहर निकाल लेता है और वहाँ से लगातार उसकी जीभ ठंडी होती रहती है, जो लार थी वो उड़ती रहती है और वो उड़ के उसकी जीभ को ठंडक देगी और वो ठंड जो है पूरी बॉडी में जाना शुरू हो जाती है। चलिए इसके बाद है भाई, ये अर्दन पोर्ट वाला मैं बता चुका हूँ कि उसमें ठंडा क्यों रहता है। Why we feel more cold ice than water in the both same temperature? 0 degree Celsius पे अगर पानी है, 0 degree Celsius पे आइस है, दोनों को हाथ पे रख देंगे तो जो आइस है उसकी वजह से हमें ज़्यादा कूलिंग फील होगी, क्यों, क्योंकि आइस के अंदर आपको पता है जो पानी था उसके अंदर 334 kJ हीट जो है वो एक्स्ट्रा थी, इसलिए वो हीट ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ी कम ठंडक फील कराएगा हमें। ठीक है, Why tea become cold quickly in a saucer as compared to a cup? अगर आप उसको किसी पतीले में कटोरी में डालेंगे saucer में डालेंगे टी को तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा हवा उसके कॉन्टैक्ट में आ पाएगी, वो ज़्यादा हीट रिलीज कर पाएगा। Why we can't measure latent heat in thermometer? थर्मोमीटर में हम latent heat को क्यों नहीं measure कर पाते, क्योंकि ये ऐसी हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाती नहीं है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज की जाती है। तो ये हुए अपने ख़त्म भाई, ये टेम्परेचर कन्वर्जन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ इसको लेके, तो आप लोग वो देख लेना, उनको भी मैं धीरे धीरे इसी प्लेलिस्ट में शिफ्ट कर दूंगा, तो आपको कहीं बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सेम इसी प्लेलिस्ट में आपको KVSR रिलेटेड सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, आज हमने पूरा ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर दिया है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ मिलेगा तो ज़रूर आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें, वैसे इन्फॉर्म करने का फ़ायदा कुछ है नहीं और ना ही इससे बाहर कुछ मिलने वाला, मैं अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, ये अबो KVS लेवल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतना कर लिया तो समझो बहुत कुछ कर लिया आपने, अब हम अगले चैप्टर शुरू करेंगे, ये आसान चैप्टर था, अगले थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ हमारे साथ अच्छे से आपका होता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ।